Today, we will start exercise 22B of chapter trigonometrical ratios. For class 9 for ICSE from Salina Consult. This is lecture number 2 of this chapter. This chapter का second lecture. सबसे पहले MCQ. First sum A part. Cos A given है हमें बच्चे 1 by root 2. Sin B हमें given है root 3 by 2. Then we have to find tan B minus tan A अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी दिस वन. अब इसके लिए बच्चे हमें जैसे हमने लास्ट सम किया था ना सेम मेथड से करना पड़ेगा. एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ए एक्यूट एंगल, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बी एक्यूट एंगल. यहां नेमिंग मतलब पी क्यू ले लिया, यहां पे आर एस ले लिया. कॉस बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, ए के अकॉर्डिंगली यहां पे कौन सी साइड बेस होगी बेटा इस ट्रायंगल में, पी पी है ए 1 के हो जाएगा, हाइपोटन्यूज रूट 2 के आ जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू फाइंड कर लोगे बच्चे कितना आएगा, 1 के. सेम इसमें साइन बी, बी के अकॉर्डिंगली पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटन्यूज ये हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 1 के आ जाएगा ये पाइथागोरस से. उसके बाद टेन ए और टेन बी चाहिए, टेन ए यहां से फाइंड होगा, टेन बी यहां से फाइंड होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन 1 के अपॉन 1 के 1 आंसर आ गया. यहां पे मुझे टेन बी √3 अपॉन 1 के √3 आंसर आ गया. टेन ए एंड टेन बी की वैल्यूज आ गई पीछे. नाउ वी हैव टू फाइंड टेन बी माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी. नाउ यू कैन फिल द वैल्यूज इन प्लेस ऑफ टेन बी. यू कैन हैव टू राइट डाउन √3 माइनस 1 1 प्लस टेन ए 1 इंटू √3 √3. √3 माइनस 1 अपॉन इसको बच्चे √3 प्लस 1. ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे. ओके okay? ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया. ऊपर बच्चे ओपन करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 3 प्लस 4 माइनस 2 ए बी, सॉरी 1 माइनस 2 ए बी 2 √3 आ जाएगा. ये समझ आया 3 1 और 2 √3 कैसे आया, हाँ सर, पक्का? 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन, 2 माइनस √3 अपॉन 2, तो व्हाट वी गेट, 2 माइनस √3 इज अवर आंसर. समझे हाँ आरण जी, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सेकेंड पार्ट बी ऑप्शन, बी पार्ट, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट. ये फिगर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री एंगल है. मैं यहां पे नेमिंग कर दूं बेटा, मैंने अपनी तरफ से नेमिंग कर दी ABCD. इस राइट एंगल ट्रायंगल में से आप AC फाइंड कर सकते हो कैसे, हाँ फाइव पाइथागोरस आ जाएगा. भाई भाई 13 आ जाएगा. ये 13 आंसर है. एक सेकंड बेटा, मैं उसके बाद बच्चे कॉस वाई, वाई देखो अक्यूट एंगल ट्रायंगल एसीबी में है ना, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन 13 आ जाएगा. थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, कर लोगे फाइंड थर्ड हाँ सर, सम. रोम्बस
रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है जो इसके डायगनल्स हैं वो बाइसेक करते हैं राइट एंगल पे। बाइसेक का मीनिंग पता है ना आपको? टू सर इक्वल पार्ट्स। अब देखो एसी की लेंथ हमें 12 दी है तो एओ कितना हो जाएगा? 6 6 हो जाएगा। ये 16 दिया है बीडी, नहीं सॉरी बीडी हमें बीडी पहले बोला था ना, ये 6 है बेटा, ये 8 8 हो जाएगा, 16 दिया हुआ है। एसी दिया है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें फाइंड करना है कॉसिकेंट एक्स। कॉसिकेंट एक्स, कॉसिकेंट का फॉर्मूला एक्स, ये रहा एंगल, देखो कॉसिकेंट का फॉर्मूला हाइपोटन्यूज अपॉन बी कौन सा है इसमें से? तो हाइपोटेनिया ए बी पहले हमें पाइथागोरस से फाइंड करना पड़ेगा, वो 10 आ जाएगा, ठीक है 10। और परपेंडिकुलर 6 10 अपॉन 6, 5/3 इज द आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/3, 1 2/3, 1 2/3, ये फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर डी। साइन ए माइनस कॉसिकेंट ए 2 है, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट। जब भी इस टाइप का सम आता है बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। देखो इसका डी पार्ट, हमें क्या गिवन है? साइन ए माइनस कॉसिकेंट ए गिवन है, कितना? 2। और हमें फाइंड क्या करना है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करो। साइन ए माइनस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल? 2 का स्क्वायर। ओपन इट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉसिकेंट ए किसके इक्वल? 4 के। अब हमें फाइंड क्या करना है? ये चीज फाइंड करनी है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए एज लाइक, माइनस 2 साइन ए एज लाइक, कॉसिकेंट को क्या लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूलाज किए थे, कॉसिकेंट किसके इक्वल था? कॉसिकेंट टैन 1 अपॉन साइन ए साइन बेटा इज इक्वल टू 4, ये माइनस 2 है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 4 + 2 6 आंसर, 6 ऑप्शन, फोर्थ पार्ट इज आंसर। समझ गए बच्चे? ई पार्ट, ई ऑप्शन, कॉट ए गिवन है हमें √5 एंड वी हैव टू फाइंड कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर। इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये यहाँ पे वही सेम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस √5 के हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 के हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 + 1 √6 के आ जाएगा। आ जाएगा बेटा ये, बोलो हाँ पाइथागोरस से फाइंड करेंगे तो ये √6 के आ जाएगा। अब कॉसिकेंट फाइंड कर लो, सीकेंट फाइंड कर, एच अपॉन पी, एच की वैल्यू √6 के, पी √6 की वैल्यू 1, 1 मतलब के कट कर देना, मैंने शॉर्टकट मारा है। साथ में चाहिए सीकेंट ए, एच अपॉन बी, हाइपोटन्यूज √6, बेस √6 √5, √5 के कट जाएगा। अब फाइंड क्या करना है हमें? कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, कॉसिकेंट की वैल्यू ये है, स्क्वायर किया 6 आ जाएगा, सीकेंट की वैल्यू ये है 6/5 आ जाएगा। एलसीएम 5, फर्स्ट टर्म क्या आएगी? फर्स्ट 30 टर्म क्या? 30 -6, वी गेट 24/5, 5 4 20, 4/5, दिस इज आंसर। 4 4/5 सेकेंड ऑप्शन इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट सम है जो सेकेंड सम, इट इज सो इजी।
गिवन है, वन गिवन है, यू कैन फाइंड बाय पाइथागोरस थ्योरम कितना यस, आएगा वैल्यू। वाई की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 4, टू स्क्वायर कितना होता है? रूट सो ये 3, थ्री, रूट ठीक 3। है, रूट थ्री आ जाएगी, पहला आंसर आ गया। फिर साइन एक्स, एक्स यहाँ पे है, परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? √3। वेरी गुड, सीकेंट एक्स फाइंड हो जाएगा, टेन एक्स फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे फिल कर दोगे, यू कैन फाइंड थर्ड सम, यूज द गिवन फिगर, फिगर गिवन है, ये साइड 8 है, ये 17 है, पूरी साइड फाइंड कर लोगे बेटा बड़ी ट्रायंगल में। इसको नेम कर देता हूं सेवेंटीन्स। मैं बी, इसको सी, इसको डी। बी डी फाइंड हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 225, ये साइड पूरी 15 आ जाएगी, ये 6 है, ये आ जाएगी हमारे पास 9 आ जाएगी, 14 में से 6 माइनस कर दिया, ठीक है। अब इस छोटे स्मॉलर ट्रायंगल में कैन यू फाइंड एसी? एसी फाइंड हो यस जाएगा, उसके हाँ बाद जो चीजें चाहिए वो कर लोगे बेटा फाइंड, पक्का इजी है। अगर एक्स आ रहा है तो बिगर राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, अगर वाई आ रहा है तो स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल की ओके साइड से यूज कर। दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड एसी, ठीक कितना आएगा एसी? एसी 5 स्क्वायर प्लस 13। 13। इसको ना ये थोड़ा डिफरेंट सा मैं, ये सिमिलैरिटी का यूज करके होगा, सिमिलैरिटी वैसे आपको 10th क्लास में आएगा, बट हम थोड़ा सा अभी कर लेते हैं। फिफ्थ, फोर्थ सम, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस रट्टाफिकेशन है थोड़ा सा इस सम में, क्योंकि 10th में अगर जब सिमिलरिटी कर लोगे तब तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये साइड हमें 12 गिवन है, ये साइड हमें 5 गिवन है, पाइथागोरस से ये साइड आ जाएगी हमारे पास 13 आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ उसके बाद ये एंगल 90 है, सिमिलैरिटी जैसे कॉन्गुरेंसी के 5 रूल्स है ना बेटा, सिमिलैरिटी का के 3 रूल्स हैं, पर आप एक ही रूल याद रखो ए ए, अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या करो, चाहिए स्मॉलर ट्रायंगल बड़ी के सिमिलर कर दो, चाहिए स्मॉलर ट्रायंगल बड़ी के सिमिलर कर दो, हम यहां मैंने टिक लगा दी ना, ये स्मॉलर ट्रायंगल मैं बड़ी के सिमिलर करूंगा, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल बिगर ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है बेटा 90 के, 90 90, हाँ और ये एंगल देखो जो ए है, स्मॉलर ट्रायंगल में भी एंगल ए कंप्लीट है, बिगर ट्रायंगल में भी एंगल ए कंप्लीट है, दो एंगल्स इक्वल हो गए ना। इन ट्रायंगल्स ए डी बी एक ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है, ए डी बी एंड ए बी सी, ए डी बी का एंगल ए डी बी बिगर ट्रायंगल के एंगल ए बी सी के इक्वल है, रीजन ईच 90, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, बस कॉन्गुरेंसी अलग चीज है, सिमिलैरिटी अलग चीज है। अब दो एंगल्स इक्वल हो गए, ए ए रूल, एक रूल होता है सिमिलैरिटी का, और ये सिमिलैरिटी का सिमिलर का सिंबल होता है, ठीक है बच्चे, सिमिलर टू ए बी सी बाय ए ए, यहाँ पे रीजन। अब कॉन्गुरेंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं? साइड इक्वल होती हैं, बट सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होती है, प्रोपोर्शनली इक्वल का मतलब ए डी अपॉन ए बी, डी बी अपॉन सेकेंड थर्ड बी सी,
फर्स्ट थर्ड ए बी, फर्स्ट थर्ड ए सी, रीजन सी पी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बस ये रट्टा क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, कि ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी तो सारा लॉजिक है, बट इसमें क्योंकि ये 10th में होगा आपका, सिमिलर पूरा चैप्टर आएगा एक। अभी आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है कि सिमिलर में ए ए रूल होता है और साइज प्रोपोर्शनली, ये दो पॉइंट्स अपने माइंड में याद रखने हैं। अब ए डी हमारे पास है नहीं है, फाइंड करना है। ए बी 12, डी बी हमने फाइंड करना है, बी सी 5 गिवन है, ए बी 12 है, ए सी 13 हमने फाइंड किया है। फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल कर दो, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल कर दो। ए डी अपॉन 12, 12/13, डी बी बाय 5, 12/13। यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ गई, 12 12 144/13। यहाँ से DB की वैल्यू क्या आ गई, 12 5 60/13। DB हमारे पास 16/13 आया, AD हमारे पास 144/13 आया। अब CD फाइंड कर सकते हो, वैसे हाँ CD की पता नहीं जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हम फाइंड कर लेते हैं। पहली AC माइनस AD, AC की लेंथ 13 है, AD हमने 144/13 फाइंड किया। 13 इज अवर एलसीएम, 169 - 144 आ जाएगा, तो CD की लेंथ क्या आ गई, 25/13 आ गई। दिस इज अवर आंसर। बट ये तो फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड करना था कॉस एंगल DBC। कॉस एंगल डीबीसी इस ट्रायंगल में है बेटा, ये इस एंगल के अकॉर्डिंगली, यहाँ डॉट लगा दिया। कॉस का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन सी साइड होगी, डीबी। डीबी वेरी गुड। एंड हाइपोटेन्यूज बीसी, बीस डीबी हमारे पास 16/13 आया, बीसी हमारे पास बीसी 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 गिवन है 5, 60 13 मेन लाइन के नीचे जाएगा, 12/13 इज अवर आंसर। ऐसे दूसरा पार्ट विच है, दे आस्क टू फाइंड कॉस कॉट एंगल DBA। कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, DBA इस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां डॉट डॉट लगा दिए मैंने, इस एंगल के अकॉर्डिंगली बेस कौन सी साइड है, बीडी BD, दैट इज 60/13। एंड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एबी AD, माँ तेरे वैसे ही बोल रहे थे कि इसके भूल जाता है, मेरे को तो नहीं लगता तू भूलता है। हैं बोलो, भूल नहीं सर जाता है, नहीं नहीं भूलता। दिस इज आंसर, समझ गए बच्चे। अब फिफ्थ सम आप खुद ट्राई करोगे, सेम मेथड से करना है बेटा, उसमें भी सिमिलर का यूज होगा। यू कैन ट्राई योरसेल्फ, ओके। सिक्स यस सम पे आ जाओ। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी ए सी के इक्वल है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 15, एंड बी सी इज 18। फाइंड कॉस एंगल बी ए बी सी, कॉस एंगल ए बी सी वी हैव टू फाइंड। अब देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, जो इक्वल साइड है उनका जो कॉमन वर्टेक्स है ए, वहां से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे वो बेस को बाइसेक्ट करता है। यहां पे लाइन लिख देंगे, सेंस इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस, सिर्फ इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स वाला जो एल्टीट्यूड है वही करता है। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू
18/2 कितना आ गया कट करके, 9, 9, 9, 9 आ गई साइड। अब पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन फाइंड दिस वन, पर एडी कॉस के लिए एडी चाहिए ही नहीं हमें, कॉस एंगल एबीसी, सॉस के राइट लिए अगर बेस एबीसी अपॉन लिखा है पर ए बी डी भी सेम एंगल ही है ना, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस कौन सी साइड है, 9, नाइन हाइपोटन्यूज 15, 3/5 इज आवर आंसर। छोटा सा सम था। ठीक है बच्चे, सेवन सम सेम है, मैं नहीं करवाऊंगा। सेवन सम में देखो बेटा, बीसी हमें 8 दिया है, ए बी और ए सी इक्वल दिए हुए हैं, 5 5, दिस साइड इज 5, दिस साइड इज 5, यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ए डी, वो बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, 4 4 आ जाएगा, ए डी फाइंड थ्री कर लेना पाइथागोरस, चाहे इस ट्रायंगल में लगा लेना चाहे इसमें, सेम आएगा। उसके बाद जो टर्म्स चाहिए वो फाइंड कर लोगे ना, पक्का एट्स फिगर खुद ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, एट सम में इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी 90, एंगल एबीसी कितना गिवन है हमें, 90 गिवन। सी ए बी ये वाला एंगल एक्स दिया है, एंड आल्सो दे हैव गिवन 10x इज 3/4 एंड द वैल्यू ऑफ बी सी इज गिवन 15 सेंटीमीटर। फाइंड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी फाइंड करना है, 10x फॉर्मूला, टेन एक्स पी अपॉन बी एक्स के अकॉर्डिंगली विच साइड इज अ परपेंडिकुलर, बी सी बी सी अपॉन ए बी, ए बी बी सी की वैल्यू 15, ए बी हमने फाइंड करना है 3/4, क्रॉस करो ए बी, 15 × 4/3 आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 20 20 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। समझ गए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे उन्होंने फाई, ये फाई का सिंबल होता है, यहां पे उन्होंने दिया है थीटा, दिस साइड इज गिवन 14, दिस साइड इज गिवन 12, दिस साइड इज गिवन 13, ये एंगल 90 है, यहां पे एंगल 90, यहां एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन यहां पे ऐसे लिख के ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, प्रूफ बच्चे। अब ये 12 है, ये साइड 12 हो जाएगी, ये टोटल 14 है, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया वहां से। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप बी एम फाइंड कर सकते हो, 5 आ जाएगा। उसके बाद दे आर आस्क्ड टू फाइंड साइन 5, ये 5 आ गया तो ये साइड भी 5 आ गई, टोटल 14 है, ये 5 है तो ये 9 आ गया, नाइन ए डी फाइंड करो, 144 − 81, 64, 8 आ जाएगा, नहीं एट 1 मिनट गलत है, 4 प्लस करना है यार, 15 आएगा, 15 15 साइड आ गई। अब दे सारी साइड्स हमारे पास फाइंड हो गई है ना, गई उसके बाद दे आर आस्क्ड टू फाइंड साइन 5 एंड 10 थीटा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कौन सी परपेंडिकुलर साइड होगी, दैट फाइव इज सी डी, सी डी बोला करो बेटा, पहले हाइपोटेन्यूज सी डी बी डी, बी
पहले लिखना है सी डी अपॉन बी डी, उसके बाद वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। सेकेंड टैन थीटा फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला पी अपॉन बी थीटा के अकॉर्डिंगली विच साइड इज अपर पेंडिकुलर, एम डी एम डी, वेरी गुड। एंड बेस एम ए 9, 4/3 इज अवर आंसर, पहला पार्ट आंसर आ गया। अब उन्होंने लिखा है एडी इन टर्म ऑफ थीटा, एडी को थीटा की फॉर्म में लिखना है, 15 भूल जाओ। देखो एडी अपॉन एएम, एडी अपॉन डीएम, एडी फाइन करना है ना, तो दो आंसर आएंगे। मैंने मतलब थोड़ा सा ये याद रखना, एडी को थीटा की फॉर्म में निकालना है ना, उसको काट देता हूँ मैं, कंफ्यूज करेगा हम। एडी अपॉन एएम तो भी एडी आ जाए की लेंथ आ जाएगी, एडी अपॉन डीएम करूंगा तो भी एएम एडी की लेंथ आ जाएगी। अब एडी इस थीटा के अकॉर्डिंगली, व्हाट इज एडी, हाइपोटन्यूज, व्हाट इज एएम, परपेंडिकुलर बेस, बेस थीटा के अकॉर्डिंगली बेटा, थीटा के सामने, थीटा एमडी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। एच अपॉन बी क्या होता है, चौपन बी साइन सेक सीकेंट। ए डी फाइन सी करना है, ए एम 9 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहला आंसर हमारा आ गया थीटा की फॉर्म में। उन्होंने थीटा की फॉर्म में बोला है, सेम एच अपॉन पी कॉसिकेंट थीटा, सेकंड ए डी फाइन करना है, डीएम 12 था, कॉसिकेंट थीटा, और ए डी की वैल्यू क्या आ गई, थीटा। वेल कॉस्ट इट यस, दिस इज अवर आंसर। समझ आया बच्चे? नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 10। बस 15 सम्स ही है तो हो गए 10 सम बेटा। बीसी 15 है, साइन बी गिवन है हमें 4/5, कैलकुलेट द ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी फाइंड करना है। देखो सबसे पहले फिगर, ए सी डी बी, ये साइड 15 है, बी सी 15 है, ये परपेंडिकुलर है, साइन बी गिवन है हमें 4/5, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर ए सी है, हाइपोटन्यूज ए बी है, 4/5। ए सी को 4x, ए बी को 5x, एक्स पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एक्स फाइंड कर लोगे, शॉर्टकट मार रहा हूं मैं, ठीक है, समझे बच्चे। डी हाँ स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 9x² इज 225, x² 225 अपॉन 9, 9 2s are 18, 45, 25, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ फिल करेंगे 25 आ जाएगा, ये साइड 20 आ जाएगी, आ गई। अब उन्होंने क्या बोला है फाइंड करने के लिए, ए बी एंड ए सी हो गए फाइंड। अब सेकेंड, नाउ एंगल ए डी सी, 10 एंगल ए डी सी गिवन है हमें, 1, 10 का फॉर्मूला पी अपॉन बी, ये ए सी अपॉन सी डी हो जाएगा 1, ए सी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 20, 20 तो सी डी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सी डी की वैल्यू भी 20 आ जाएगी, पाइथागोरस से ए डी फाइंड कर दोगे, इजी था। ये अब जो 11 सम है वो मैं नहीं करूंगा, हमने एक सम इस टाइप का कर लिया है एमसीक्यू में, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ बोथ साइड्स साइड्स, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसिकेंट, और कॉसिकेंट को क्या लिख देंगे हम, 1/साइन, कट वन बाय जाएगा तो वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 2, 2 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी सेम है, स्क्वायर करो, 10² + cot² + 2 tan a cot a, cot a को 1/10 लिख देंगे,
जाएगा, 25 माइनस 23 आंसर आ जाएगा। दिस वन 13 सम। फोर साइन थीटा इज 3 एंड साइन थीटा बिकम 3/4। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, थीटा यहां पे मार्क कर दो, ये 3 के हाइपोटेन्यूज 4 के, 16 माइनस 9 7, √7 के। उसके बाद यार मुझे नहीं लगता कि मैं करूं इस सम को, हो जाएगा सिंपल, तीनों साइड आ जाएंगी ऐसे। ये 17 में से जाएगा कॉस थीटा, 15/17 हो जाएगा, कर लोगे फाइंड। हाँ ठीक सेम, ये सेम नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। 15th है वैसे ही, 15 cos A - 12 sin A हमें 0 की बनी। वी हैव टू फाइंड sin A + cos A अपॉन 2 cos A - sin A। दिस वन वी हैव टू फाइंड। इसमें बच्चे क्या करना है, -12 sin, थोड़ा डिफरेंट है ये, इसलिए अपनी ना बुक पे ही लिख लेना एक फॉर्मूला, साइन ए अपने प्लेस पे, कॉस ए को नीचे ले जाओ, 5/12 से इक्वल। अब एक फॉर्मूला शायद आपको आता है कि नहीं आता, साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला पता है आपको? नहीं टेन ए टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा की इक्वल होता है। ये अपनी बुक पे लिख लो, इस सम के सामने ही लिख लेना, ठीक है, फिर याद रह जाएगा 5/12। अब इसके बाद तो वही सेम है, ट्रायंगल ड्रॉ करो, ए यहाँ पे ले लिया, ये 5 के हो जाएगा, ये 12 के हो जाएगा, ये 13 के आ जाएगा। उसके बाद जो चीज हमें चाहिए, साइन ए फाइंड कर लेना, कॉस ए फाइंड कर लेना, उसके अंदर इसमें वैल्यूज फिल कर देना और कैलकुलेशन। तो ये चैप्टर हमारा, टेस्ट यूरसेल्फ, अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है? पहले एक बार ये दो एक्सरसाइजेज ही करने हैं, टेस्ट यूरसेल्फ तो हम बाद में भी कर लेंगे, अगर आपके पास टाइम हुआ तो कर लेना, अदरवाइज बाद में हो जाएगा। 23rd, कितनी एक्सरसाइजेज हैं, 23rd में ज्यादा है ना, 3 है। 23rd वैसे इजी है, कोशिश करेंगे कि हम कल ये खत्म कर लें। और मुझे एक बात बताओ, सैटरडे को आपको कितने बजे छुट्टी होता है? हाँ स्कूल से 3:30 तक। सैटरडे को हाफ डे नहीं होता? मीन्स हमारे पास सिर्फ संडे ही बचा है ना, सिर्फ 2 क्लासेस के लिए, एक्स्ट्रा क्लास के लिए, और कोई क्लास नहीं बची है ना। चलो फिर, ये था कि सैटरडे और संडे हम दो दो क्लासेस लगा लें, संडे को तो फिर लगा ही लेंगे डबल, क्योंकि तो हम, हमारे पास टाइम कम है ना, ओनली 45 डेज भी नहीं है, बस ये लगा के चलो कि 40 डेज ही है। कोशिश है कि अब जैसे कल, अब ये कि तीनों एक्सरसाइजेज हो जाएंगी कल, कोशिश करेंगे, ठीक है? नहीं तो दो तो करेंगे ही ठीक करेंगे, कल ना तीन हुई तो। चलो ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं अब। ओके बाय बेटा। है।